हेलो एवरीवन आई एम मीरा गटारिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वाओ फैक्टर सो फ्रेंड्स सबसे पहले विश यू आर वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन और नए साल के बाद ये मेरी पहली वीडियो है और uh, अगर मैं नए साल की सेलिब्रेशन की बात करूँ तो हमने नए साल मतलब हमारे जो जिसकी थी वो फर्स्ट न्यू ईयर पार्टी थी और एक्चुअली uh, oh, मैं ज़्यादा कुछ शूट कर नहीं पाई एक तो मेरे फ़ोन की बैटरी डेड हो गई थी एंड सेकेंडली एक होता ना कि जब आप घर पे अपनी पार्टी जब आप होस्ट होते हो तो आपके पास इतना टाइम ही नहीं होता कि यू you नो know, वैसे तो मैं फिर भी मैनेज कर लेती हूँ लेकिन बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी थी क्योंकि हम लोग क्या करते हैं मोस्टली सब कुछ घर पर ही अरेंज करते हैं चाहे वो स्टार्टर्स हो डिनर हो मेन कोर्स हो ड्रिंक्स uh, हो यू you नो know, जो भी चीज़ें होती हैं अपने आप खुद घर पर अरेंज करते हैं तो कोशिश यही रहती है कि सबको घर का uh, अपने हाथों का बना uh, सब कुछ चखाएं तो इसलिए उसमें इतना ज़्यादा टाइम लगता है इनफैक्ट मेरे जो हस्बैंड है ही इज़ वेरी हेल्पफुल और um, सारी चीज़ें हैंडल कर लेते हैं मेरे साथ मिलके तो थैंक यू सो मच हस्बैंड एंड सेकेंडली मैं वीडियो डालना चाहती थी लेकिन यू you नो know, कुछ लोग बहुत जजमेंटल हो जाते हैं तो मैं इसलिए uh, मैंने न्यू ईयर की मैंने सोचा था कि मैं न्यू ईयर सेलिब्रेशन की वीडियो डालूंगी फिर मैंने अवॉइड कर दिया सो लेट इट बी विश यू वेरी हैप्पी ईयर टू एवरी एंड तो uh, जैसे कि जनवरी स्टार्ट हो गई है तो ये है मेरे ओजिस की फर्स्ट लोरी आ, वैसे तो हम लोग मकर संक्रांति मनाते हैं बट लोरी आजकल तो ऐसा हो गया कि हर फेस्टिवल हर कोई मना रहा है और इसमें कोई बुराई भी नहीं है मनाना चाहिए खुशियाँ जितनी हो जितनी सेलिब्रेशन करने हो कर लेने चाहिए क्योंकि लाइफ एक ही है तो इसमें ना काश आ, आ, आई विश आ, और आ, हम नहीं करते ये सब चीज़ें नहीं रखनी चाहिए यार वी आर ह्यूमन बींग हमें नहीं पता आ, कल क्या हो जाए तो इट्स बेटर टू सेलिब्रेट एवरी सिंगल मोमेंट और एवरी एवरी सिंगल डे तो इसीलिए हाँ ये ओजस की फर्स्ट लोहरी है और अगर मैं अपनी जाजलिन की बात करूँ तो हमने जाजलिन की फर्स्ट लोहरी सेलिब्रेट करी थी आ, हम ओजस की फर्स्ट लोड़ी नॉर्मल तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं इस बार क्योंकि ओजस का बर्थडे आने ही वाला है वन ईयर का जब वो हो जाएगा तो उसका बर्थडे आने वाला है, तो हम वो थोड़ा सा ह्यूज लेवल पे सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो इसलिए हम लोगों ने और वैसे भी अगर मैं दोनों के फंक्शंस की बात करूं जैसलिन का गोद भराई का फंक्शन नहीं हुआ था बट ओजस का गोद भराई का फंक्शन हुआ था और बहुत सारा प्यार मिला था मुझे उसी का ही असर है कि मुझे इतना प्यारा सा बेटा हुआ टचवुड एंड uh, जैजलिन uh, का uh, मतलब uh, की गोद भराई नहीं हुई थी और जैजलिन का uh, लोहड़ी का फंक्शन हुआ था तो हम लोग सोच रहे हैं कि वहाँ पे हम लोग यू you नो know, इन दोनों को uh, वो कर देते कम्पनसेट कि हमने उसका फंक्शन वो किया था तो इसका ये किया था तो यू you नो know, बच्चों में ये नहीं होना चाहिए कि मेरा क्या था इसका क्यों नहीं किया इसका क्या था मेरा क्यों नहीं किया सो so, uh, ये सब चीज़ें हैं इनफैक्ट हम लोग जब उसका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे फर्स्ट वो थोड़ा सा ह्यूज लेवल पर करेंगे सो दैट हमें लगा कि यू नो अभी तो न्यूर्ट पार्टी करी थी अब फिर ये लोही वाला फंक्शन हम लोही वाला फंक्शन करेंगे बट नॉर्मल तरीके से अपने घर घर में सेलिब्रेट करेंगे और जैसे मैंने बताया कि हम लोग मकर संक्रांति सेलिब्रेट करते हैं तो हम वो भी सेलिब्रेट करेंगे तो ये वीडियो उसी के रिकॉर्डिंग है हम किस तरीके से अपने का मतलब फर्स्ट लोहरी सेलिब्रेट कर रहे हैं आज है ट्वेल्थ ऑफ जनवरी कल लोहड़ी है तेरह तारीख की लोहरी होती है तो आज मेरे घर से मेरे मम्मा और दीदी आए थे मतलब हमारे यहाँ पे ऐसा होता है कि बेटियों के घर में पहले त्यौहार दिया जाता है लाइक like होली होती है दिवाली होती है मकर संक्रांति होती है तीज होती है तो ये सब चीज़ें होती है पहले बेटी के घर दिया जाता है तो काफ़ी टाइम पुराने से ये प्रथा चलती हुई आ रही है तो मुझे लगता है इट्स जस्ट अजस्टेड टू मीट योर 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 चाइल्ड मुझे ऐसा लगता है तो बहुत अच्छे फेस्टिवल्स होते हैं ये जब हम हमारे घर पे हमारे घर से लोग आते हैं बहुत खुशी होती है बहुत यू नो हम लोग इमोशनल हो जाते हैं तो आज मेरी मम्मा और दीदी आई थी वो सक्रांत मतलब लोरी का मुझे देके गई हैं त्यौहार देकर गई हैं तो आज उसकी नानी आई थी और अब कल है लोरी तो कल हम बनाने वाले हैं फर्स्ट लोरी तो इस वीडियो का अंत तक ज़रूर देखिएगा और पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और बताइएगा ज़रूर आपको मेरी वीडियो कैसी लगी सो so फ्रेंड्स ये है मेरी मम्मा और दीदी मतलब ओजस और जैसलिन की नानी एंड मासी तो ये लोग आए हुए थे और हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से इन्जॉय किया लंच किया चाय पी गपशप मारी और मेरी मम्मा ये मेरी मदर इन लॉ के लिए एक सूट लेकर आई थी मेरे लिए एक सूट लेकर आई थी विंटर का क्योंकि विंटर्स चल रहे हैं और ये होता है संक्रांत पे इस पर बच्चों को मतलब अपने बच्चों को कपड़े देते हैं ओजस के भी कपड़े लेके आई थी जैसलिन के भी ये कुछ मिठाइयाँ हैं मूंगफली है रेबड़ी है और ये कुछ मतलब साथ में होता है फ्रूट्स लेकर आई हैं और जो बेसिक चीज़ होती है ना वो होती है चीनी चावल शक्कर और सूजी मतलब ये जो होता है ये एक एक बेसिक चीज़ होती है जो देनी होती है ऐसा कुछ होता है इनमें तो ये मेरा ओजस जो है और हम लोग आज है थर्टीनथ ऑफ जनवरी हैप्पी लोरी टू एवरी और मेरा ओजस और जैसलिन जो है दोनों रेडी हो चुके हैं सेलिब्रेट करने के लिए लोई और ये वाला जो सूट आप देख रहे हैं ये इसकी बुआ ने इसको इसको नहीं फैक्ट जासलिन को गिफ्ट किया था और ये ओजस को परफेक्टली आ रहा है जैसलिन ने सिर्फ एक बार ही पहना था सिर्फ ट्राई किया था बट ओजस को बहुत अच्छा लगा तो उसके बाद हम लोग शाम की तैयारी में लग गए और सबसे पहले मैं लेने गई ओजस के लिए जैसलिन के लिए जो उनको खाना था वो सब सामान लेके आई मैं साथ ही छोटा सा केक लेकर आई ताकि हाँ आज हम उसकी फर्स्ट लोरी पर केक कटिंग करेंगे और ये देखिए कितना सुंदर सा मैंने सजा लिया है और अब हम लोग मेरे हस्बैंड जो है वो आ गए हैं ये केक तो आपने देख लिया था जो मैं लेकर आई थी और ये गज्जक वाला केक है और साथ में मूँगफलियाँ जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो रख ली है मैंने और अब हम तैयारी कर रहे हैं लोरी को जलाने की और ये यहाँ पे हम लोग मैंने यहाँ पे सेटअप कर दिया है बाहर आउटसाइड द हाउस यहाँ बालकनी में और मैंने इस तरीके से यहाँ पे कोयले हैं वो रख दिए हैं एक्चुअली मेरा ये था कि हम ज़्यादा कुछ पॉल्यूशन नहीं करेंगे ज़्यादा नहीं जलाएँगे वैसे ऑलमोस्ट इतने लोग जला रहे हैं तो ये लाइट्स लगी हुई हैं दिवाली की लगी हुई हैं तो मेरे हस्बैंड ने बोला लगे रहने देते हैं कभी कभी कोई ओके आए तो हम ऑन कर लेंगे जैसे न्यू ईयर पे और क्रिसमस पे और अब लोरी पे ऑन किया है और अब हम लोगों ने तैयारी कर ली है मेरी जासलिन को भी बुला लेते हैं और यहाँ पे हम लोगों ने आग जला दी है कोयले जो हैं वो थोड़े देर में जले उससे पहले हमने न्यूज़पेपर से जलाए तो हम लोग चाहते थे कि ज़्यादा धुआं नहीं करेंगे सिर्फ थोड़ा सा यू नो हमें शगन करना है थोड़ी सी देर जलाएँगे और उसके बाद हम वाइंड अप कर देंगे तो थोड़ी देर बाहर बैठेंगे गपशप मारेंगे तो हमारी जैसलिन उसकी पार्टी जो है वो ऑलमोस्ट शुरू हो चुकी है तो आग जलाने के बाद मैं ले आई हूँ यहाँ पर सब सामान और अब बुलाते हैं ओजस को ओजस को और उसके पापा को मैंने एंड में बुलाया था कि बच्चों को धुआं जो है वो परेशान ना करे तो सब जब हो गया सिर्फ भोग लगवाने के लिए मैंने उनको यहाँ बुलाया और कहते हैं कि लोरी पे आग में हम लोग खील और मूँगफली ये सब डालते हैं तो ये देखिए हमारा ओजस जो है वो बड़ा खुश है बहुत खुश है ये करने के लिए तो उसके बाद हम लोग यहाँ ओजस जो है हमारा आ चुका है अपने पापा के साथ और काफ़ी खुश नज़र आ रहा है आप लोगों को राइट वो बहुत खुश रहता है टचवुड और अब इसमें भोग लगाया हमने खील और वो सब डाले और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे केक कटिंग किया जो जिसके लिए हम लोग लेकर आए थे और उसको थोड़ा सा टेस्ट कराया जाजलिन ने भी टेस्ट कराया उसने भी भोग लगाया हम सब ने भोग लगाया और हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ी देर बैठ के मूफली खेल ये सब इन्जॉय किया और ये देखिए ओजस जो है उसको लाइटिंग का इसका बड़ा वो रहता है तो ये थी हमारी ओजस की फर्स्ट लोरी जो हम लोगों ने साथ मिलकर सेलिब्रेट करी छोटा सा सेलिब्रेशन था और उसके अगले दिन थी मकर संक्रांति और इस पर हम लोग बनाते हैं स्पेशली चूरमा और दाल और ये बनाई मेरी मदर इन लॉ ने सो थैंक यू सो मच मम्मा तो ये हम जो है हमेशा बनाते हैं मम्मा संक्रांत पे मकर संक्रांति पे जो हम खाते हैं और बहुत ही अम्मी था और तो ये थी मेरी आज की वीडियो आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो हैप्पी लोरी टू एवरी एंड हैप्पी मकर संक्रांति